जो प्रीता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, प्यारी सी, संस्कारी सी, मुझे बहुत पसंद आई है ना। तेरे करण के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है तूने। वो तो करण के सामने मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था उसका दिल रखने के लिए, लेकिन कुड़ी बड़ी मस्त है, जबरदस्त है। तू तो माता रानी का शुक्र अदा कर, जो चाहे धोखे से हुई चाहे घूंघट की आड़ में हुई, लेकिन शादी तेरे करण की बिल्कुल सही लड़की से हुई। वो कहते हैं ना, जिसके साथ जिसकी जोड़ी लिखी हुई होती है उसी के साथ जुड़ती है, इसी को तो कहते हैं कुंडली भाग्य। अगेन प्रीता की तारीफ सुन के मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, आज ऐसा पहली पहली बार हो रहा है। पहली बार कोई प्रीता को मेरे टक्कर का बता रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? बिल्कुल सच का। चल चल के बातें करते हैं। जानकी आंटी, बुखार उतरा के उतना ही है? हाँ नहीं पुत्र, बुखार तो उतना ही है और थर्मामीटर भी उतना ही बता रहा है। बार बार थर्मामीटर से बुखार चेक करने से, बार बार छूकर देखने से कि बुखार बढ़ रहा है घट रहा है, मेरा बुखार घटने तो वाला नहीं है ना। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी मैं कह रही हूँ ना कि वहाँ उसकी मुंह दिखाई है, कोई भी मायके से नहीं होगा, तो कितना बुरा लगेगा प्रीता को। तुम में से चले जाओ ना, तुम दोनों इकट्ठे जाओ। माँ लिसन, आपको ऐसी हालत में छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे, ओके? सृष्टि, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों जा क्यों नहीं रहे हो? जाओ ना, वो इंतजार कर रही होगी बेटा। आंटी पुत्र, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, एक जने को तो जाना चाहिए। मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ का ख्याल रख लूंगी, तो चले जाओ। बहुत सही, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, ठीक है मैं अभी क्या दी को वीडियो कॉल लगा दी। अरे प्रीता को फोन मत लगाना, देखो बेचारी परेशान हो जाएगी, आज उसका फंक्शन भी है, तो क्या कर रही है ना सृष्टि। सृष्टि मत लगाना। सृष्टि का वीडियो कॉल। हाँ सृष्टा, क्या हुआ? हाय दी। अरे आप लोग सब तैयार नहीं हो? मेरे मुंह दिखाई का टाइम हो रहा है, मैं तो बस तैयार होने ही आई थी। अब आप फटाफट तैयार हो जाइए और जल्दी से यहाँ आ जाइए, मुंह दिखाई शुरू ही होने वाली है। भाभी वो भाई का सामान रह गया था मेरे रूम में। समी प्लीज ये सामान वहीं रख दो ना जहाँ करण रखता है। फिर मैंने कहीं उल्टा सीधा रख दिया तो मुझ पे बहुत चिंगेगा। ठीक है भाभी, मैं रख देता हूँ। हाँ आप लोग फटाफट आओ ना, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। दी मैंने यही बताने के लिए फोन किया कि हम नहीं आ सकते। मैं तो इसे कब से बोल रही हूँ कि चले जाओ। तू वहाँ हम सबका इंतजार कर रही होगी है ना, तेरी आज मुंह दिखाई, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रही, अपनी मनमानी कर रही है। दी मामा को ना बहुत तेज बुखार है, अभी आप ही मुझे बताओ इन्हें ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे आऊँ, और अगर मैं आ गई तो इनको तो यही लगेगा कि मैं इनसे प्यार नहीं करती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है तू उनसे प्यार करती है, इसलिए तो कह रही हूँ मेरे कहने पे चली जा तू। माँ को बुखार है? माँ कितना बुखार है? 101 नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। सृष्टि तू माँ के सारे टेस्ट बुक करा दे कल के लिए। हाँ अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे प्रीता, तुझे तो पता ही है ना ये तो मौसम बदल रहा है। इस मौसम में गर्मी होती है, फिर एकदम से बारिश हो जाती है, फिर थोड़ी ठंडी हो जाती है, अंदर बाहर करती हूँ ना, तो इसीलिए हल्का सा बुखार चढ़ गया, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी की बातों में आने की जरूरत नहीं थी। आप ही मुझे बताओ, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? मामा को ऐसे छोड़ के आप चली जाती क्या? नहीं ना। माँ बुखार हल्का हो या तेज, बुखार तो है ना, लाइटली नहीं ले सकते। सृष्टि ध्यान रखना, माँ प्लीज अपना ध्यान रखिए। देख मैं उससे कह रही हूँ कि तू चली जा और तुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए इतना बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों को अपनी जिद करनी है, तुझे चाहिए कि मैं सारे वो चेकअप कराऊं और तुझे चाहिए कि तू यही रहेगी मेरे साथ, तो फिर जो मर्जी करना है करो, मुझे नहीं पता। दी मुझे आने का बहुत मन है, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अच्छा सुन, हम लोग नहीं आ पा रहे लेकिन तेरा फंक्शन है ना आज, खूब अच्छे से फंक्शन हो जाए तो फिर फोन करके बताना सब कैसा रहा। चल बहुत बहुत तुझे मुबारक हो, ये तो जाएगी नहीं। बाय बाय बेटा, जीत दे। समीर माँ को तेज बुखार है, आई होप थकान से हो गया हो, सुबह तक ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन मेरे मुंह दिखाए में कोई भी नहीं आ रहा है। माँ जानकी आंटी सृष्टि, आज मेरे ससुराल में मेरा इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा फंक्शन है, लेकिन मेरे मायके से यहाँ कोई भी नहीं होगा। आई विश सृष्टि आ जाती। भाभी आप प्लीज अपसेट मत हो, आई नो वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं उन्हें यहाँ की सारी अपडेट्स पहुँचा दूंगा, इनफैक्ट वीडियो कॉल करके सारा फंक्शन दिखा दूंगा, इससे ना वो आपको मिस करेंगे ना आप उन्हें। ठीक है,
और भाभी मैं आपका देवर हूँ, अगर मैं आपके ही काम नहीं आऊंगा तो फिर देवर किस बात का है ना? थैंक यू सो मच, यू आर टू स्वीट। वेलकम भाभी, मैं चलता और प्लीज टेंशन मत ले। मैंने अभी जस्ट डॉक्टर अंकल को मैसेज भेजा है, वो उनका रिप्लाई आ गया, वो आते ही होंगे। अब जानकी आंटी आप एक काम कीजिए ना, मामा के लिए गर्मा गर्म पानी लेकर आइए ना, थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। हाँ लग के। हाँ सर, ऐसे बुखार पे ऐसे करती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। दो तीन डॉक्टर को और बुला लेती बेटा, एक से मेरा क्या होगा। मामा आप कितनी बातें करती है, तबीयत खराब है थोड़ा। नहीं, मैं आराम कर लूंगी, डॉक्टर साहब से सारे चेकअप करा लूंगी, मैं तो बहुत बीमार हूँ ना। चली जाती तो क्या होता तेरा। आप चुप हो जाइए, थोड़ा चिल मारिए, रिलैक्स करिए। इस घर के लोग बहुत भोले हैं जो तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन तुम उनके साथ क्या करती हो? विश्वासघात। प्रीतम ए, जिस बड़ी बहू की हरकतें ऐसी हो जो इस घर की मर्यादा और संस्कारों को पार कर जाए, उस पे ऐसा एटीट्यूड शोभा नहीं देता है। शर्लिन, मैंने सुना है कि कल रात को रमुना जी चली गई। और माहिरा भी। क्या बात कर रही है, माहिरा भी चली गई? उन्हें निकाल दिया इस घर से। क्या? मम्मी जी ने उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया। क्या बात कर रही है तू, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे नहीं बताई। क्यों इतनी बड़ी बात हो गई? अगर मैं आपको बता देती तो आप क्या कर लेते? हाँ, जाके माहिरा को रोक लेते, लूथरास को कहते कि माहिरा की कोई गलती नहीं, उसे यहाँ पे रोक लो, रहने दो। अरे माहिरा ने जो कांड किया है ना, इतना बड़ा ड्रामा किया ना, उसके बाद उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही कहा तूने, तो माहिरा को इतनी बड़ी गलती करने की क्या जरूरत? गलती माहिरा की नहीं थी, गलती वो सरला की है। ऐसे बिहेव करती कि उसे लूथरा से कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन हर एक चीज में अपनी टांग अड़ाती है। सरला जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शातिर है। आप थे ना वहां पर, आपने देखा ना कि उसने क्या क्या किया, मम्मी जी के कान भर दिए। क्या काम? कि सास होती है जो एक बहू को बहू का दर्जा देती है घर में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रीता इस घर में नहीं, उसका कारण है माहिरा, माहिरा की वजह से ये सब हो रहा है। ये सारा ब्लेम उन्होंने मम्मी जी पे डाल दिया। मम्मी जी अपनी गिल्ट ट्रिप पे चली गई, इतने गिल्ट ट्रिप पे चले गए कि नीचे आए और सबके सामने अनाउंस कर दिया कि माहिरा और रमोना जी को इस घर से जाना होगा। क्या बात कर रही है, माहिरा जो करण से शादी करने के लिए इतना हेडबेंड थी, राखी जी ने कहा और माहिरा चली गई। आप कितना इरिटेट कर दो, कितने सारे सवाल पूछ रहा, क्यों इरिटेट कर रहे हो मुझे? शर्लिन, तो मेरी बात को समझने की कोशिश, क्यों इतना गुस्सा करती है? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और एक माँ को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके बेटे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। माहिरा ने जो कुछ भी हरकत की उसके चलते लूथरा फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो बस ये चिंता है कि अगर इन लोगों को तेरी हरकत के बारे में पता चल गया ना, तो कहीं तुझे भी वो घर से बाहर न। आप हर वक्त ये सोचते रहते हो ना कि ये लोग मुझे कब घर से निकाल दे। नहीं शर्लिन, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं सिर्फ तेरे भले का सोचती हूँ कि जो कोई भी गलत काम करता है ना, उसको उसकी गलती की सजा जरूर। ठीक है, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, ठीक है लो मेरी जान ले लेंगे। मॉम प्लीज, मुझे बहुत टेंशन है, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। आप कह रहे हो ना कि आप मेरी माँ हो, आपकी माँ होने का क्या फायदा है बताओ मुझे। क्या कहा? सही कहा। आप हर वक्त बोलते फिरते हो कि करीना वो आपकी फ्रेंड है, वो हर वक्त आपकी बात सुनती है। आज तक कोई भी बात सुनी है? अरे सरला के इस घर में कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान सरला की हर एक बात सुनता है। उसे पता है कि प्रीता और माहिरा एक दूसरे को पसंद नहीं करते, प्रीता हेट्स माहिरा। तो उसने क्या किया, माहिरा को इस घर से निकलवा दिया ना, क्योंकि उसे पता था कि जब तक माहिरा इस घर में रहेगी प्रीता के लिए कांटा बन के रहेगी, तो उसने रास्ता साफ कर दिया। क्या किया आपने? आप भी माँ हो ना, प्रीता को माहिरा पसंद नहीं है, मुझे प्रीता पसंद नहीं है। आप कुछ कर सकते हो, उसको इस घर से निकलवा सकते हो। अरे कुछ करो, जाके इमोशनल ड्रामा करो, रो धो सेंटी करो, आई डोंट केयर, निकलवा दो ना उसको इस घर से। शर्लिन, सरला जी ने उस वक्त जो किया वो सिचुएशन अलग थी। अरे और क्या सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में हीरोइन माँ ही थी। आपको पता है प्रीता ने मेरे साथ क्या किया? आज किचन में उसने मुझे बहुत सुनाया, अरे मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, और वो प्रीता वो जबरदस्ती की बहू है, वो मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती है। उसकी माँ ने उसकी इतनी बड़ी हेल्प कर दी, माहिरा को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। आपने क्या किया? आप जब देखो तब मुझे लेक्चर देते रहो कि ये करो वो मत करो। बस कितना बोलेगी शर्लिन, तूने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया, अब तो देखना तेरी माँ तेरे लिए क्या करेगी, तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब तक तूने और माहिरा ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ना तू सक्सेसफुल हुई और ना ही माहिरा, लेकिन अब मैं करूँगी।
ये जो सरला है ना, इसने तो पेड़ ही काटा है, मैं जड़ काट दूंगी। क्या करोगी आप? मैं ऐसा कुछ करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। आज जब प्रीता मुंह दिखाई की रस्म में सब मेहमानों से मिलेगी ना, तो कोई भी मेहमान उसे पसंद नहीं करेगा। कैसे करोगे ये सब? वो ऐसे आप में ये सब करने की हिम्मत है? ऑफ कोर्स है। जब तुझ में हिम्मत है कि तू अपनी माँ से इस तरह से बात कर सके, उनसे अपना हक मांग सके, सरला से मुझे कंपेयर कर सके, तो डेफिनेटली मुझ में भी हिम्मत है। रिलैक्स। और अच्छा, जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जा, मेहमान आ गए हूँ। अरे नमस्ते रेणुका, कैसी हो? मैं अच्छी, आप? बिल्कुल ठीक प्रीता, तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। उसी के लिए तो आई हूँ यहाँ पे। जाओ मिल लो फिर। नमस्ते करीना जी। नमस्ते। आज तो आपका दिन है जी। मेरा दिन नहीं, प्रीता का दिन। जाओ जी। क्या जरूरत थी मॉम दोबारा से मुंह दिखाई की रस्म करने की? स्माइल करते करते जॉज में दर्द होने लग गया है मुझे। पुत्र, ये फंक्शन है, मेहमान जब आते हैं हंस के ग्रीट करना पड़ता है। और ये तो क्यों सोचती है कि ये प्रीता की मुंह दिखाई है? ऐसे सोचना कि लूथरा खानदान की बहू की मुंह दिखाई है। आई विश। राखी, इस करीना की अकड़ शकड़ में तो आज भी वही पकड़ दिख रही है। ये सुधर गई है, आज भी वैसी की वैसी है। निम्मी, तू कैसी बातें कर रही है? मेरी ननंद है, दिखने में अकड़ वाली लगती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। आ गई निम्मी जी, इतना टाइम लगा है रेडी होने में और ये बन के आई है। करीना, अब शुरू मत हो जाना। मुझे पता है तेरी और निम्मी की नहीं बनती, लेकिन पुत्र परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन ये सब भूल जा। मॉम एक सेकंड, ये औरत मेरा परिवार नहीं है। और दूसरी बात, आप जानती हैं ना प्रॉब्लम किस वजह से हुई थी? भाई और भाभी की शादी में कितना ड्रामा किया था इस औरत ने। और आप जानती हैं ना मॉम, मेरी फैमिली को कोई कुछ भी कह दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पता है मुझे, लेकिन बच्चों जैसी बातें मत कर। राखी की शादी को कितने दिन हो गए, उसके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां हो गई हैं। अब प्लीज भूल जा सब कुछ। नहीं मॉम, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। करीना प्लीज। मॉम प्लीज। अरे रानू जी, आप भी आई है। चलो अच्छा हुआ, मेरे बराबर का कोई तो मिल गया, अब टाइम अच्छे से निकल जाएगा। अरे टाइम क्या, हम दोनों ही अच्छे से निकल जाएंगे। मेरा मतलब इस मुंह दिखाई में, वरना यहाँ तो किसी के पास वक्त ही नहीं है बात करने के लिए, इनके पीछे पीछे भाग के बात करना पड़ता है। मैं लोगों को पीछे भगाने वालों में से हूँ। अब लगता है मुझे भी वही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब मिलते हैं एक से भले दो। चलिए आप दोनों बातें कीजिए, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और रस्म भी तो करनी है, तो मैं प्रीता को लेके आती हूँ। हाँ हाँ जाइए, इसकी फेवरेट वाली बहू को लेके आई है। ले आती हूँ। अरे सो गुड टू सी यू, आई वाज वेटिंग फॉर यू गाइस। करीना जी, नमस्ते जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निमी जी, अच्छी हूँ, लेकिन आपको देख के और अच्छी हो गई। आप कैसे हैं? मैं भी आपको देख के कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी हो गई। That's so sweet. Nice saree. Thank you. आप बहुत अच्छी। क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? निमी मासी और करीना बुआ की 36 का आंकड़ा है, दोनों का पटरी नहीं खाती इन दोनों। देखे ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं जन्मों के बिछड़े हों। देख तुझसे उनकी मुस्कुराहट नहीं बंद, कमाल है ना। मतलब कमाल। करण भाई आ गए। तो इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? मुझे मालूम है आ गए। आ जाएगा। वेट कर रहे थे ना हम इसलिए। हाँ जी। अरे कैसा है तू? कैसा है तू मतलब? अच्छा हूँ। क्यों ऐसा क्यों पूछा? अभी तो मिले थे थोड़ी देर पहले। हाँ मतलब दिल के तो दोबारा पूछ ले, इस पर खराबी क्या? ये तो पूछा कि कैसा है। अच्छा हूँ। तूने देर लगा दी बड़ी आने में। हाँ तुम लोगों ने देर लगा दी उठने में।
उठने में मतलब? मतलब ये कि जब सुबह मैं प्रैक्टिस पे गया था तुम लोग सो रहे थे और जब मैं वापस आया तब भी सो रहे थे। तो हो सकता है तू जल्दी प्रैक्टिस पे चला गया। ओह रियली? हाँ तो रेशम लूथरा तू बहुत चेंज हो गया। मैं? या अच्छा पहले तू आता था मेरे रूम में मुझे उठाता था प्रैक्टिस के लिए कि मैं टाइम पे चला जाऊं। ओके पहले तू मेरी केयर करता था, अब तू कोई केयर शेयर नहीं करता। पहले तू खुद आके प्रैक्टिस के लिए मुझे उठाता था, अब क्यों नहीं उठाता? शादी कल हुई और कह रहा कि कब तू पहले आता था। अरे मेरे भाई अब तेरी शादी हो गई है, अब तेरे रूम में आऊंगा बिना नॉक किए जैसे पहले आता तो अच्छा लगेगा। मेरा तो भाई फिर मेरे भाई अब वो तुझे उठाएंगे ना सुबह, कितना अच्छा लगेगा, आराम से प्यार से उठाएंगे। अब तू प्रैक्टिस पे जाएगा फिर वापस आएगा तेरे को जूस का ग्लास मिलेगा, कितनी केयर होगी। क्या बात है, अब मेरी केयर करने की अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई है ना तुझे। बस तेरी लाइफ सेटल कर देंगे। लाइफ सेटल कर देंगे? लाइफ सेटल कर दी अच्छे से। क्या वो नाम लिया पिताजी आगे क्या भाभी आगे? करीना प्रीता आ गई है, जा वो थाल लिया जिसमें अंगूठी है, रसम स्टार्ट कर दे। शैलन और कृतिका वो थाल लेने गए हैं। चल करीब चल फिर आ जा। तो मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी बहू प्रीता की मुंह दिखाई की रस्म में एक बार फिर आए, तो थैंक यू सो मच। अब बिना वक्त जाया किए हम ये रस्म शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हो जब घर में कोई रस्म होती है तो शुरुआत बड़े करते हैं, इसलिए मम्मी जी आइए और आप ये रस्म शुरू कीजिए। राखी जी ये बड़े बुजुर्गों की बात छोड़ ही दो, आजकल तो पति पत्नी के बीच सब हो जाता है। अब ये मुंह दिखाई की रस्म करण से ही कर लो, अब एक एक करके क्या देखना, सब एक साथ देख ही लेंगे। रानू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है मामी जी करण। लेकिन मेरी मुंह दिखाई तो हो चुकी है ना। ओए तेरी नहीं प्रीता की मुंह दिखाई करनी है, तुझे इसका मुंह देखना है। लेकिन इसका चेहरा तो मैं कब का देख चुका हूँ। करण पुत्र मैं जानती हूँ तू प्रीता को देख चुका है, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार रसम के अनुसार दुल्हन की मुंह दिखाई होती है ना। आजा पहले तू इसका चेहरा देख। चलो भाई जा 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 जा। ओके ओके खाली हाथ ही आ गया प्रीता के सामने। मुंह दिखाई में पति पत्नी को मुंह देखते वक्त तोहफा देता है। अब कौन सा तोहफा? मैंने अपना घर दे दिया, अपना कमरा दे दिया और तो एसी का रिमोट भी दे दिया, अब क्या दूं? मैंने इतनी सीरियस बात बोली, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी और ये सब लोग हंस रहे क्यों? निम्मी मुझे पता था तू ऐसे ही कुछ बोलने वाली है। दरअसल बात यह है कि मेरा करण थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसलिए करण के बदले प्रीता के लिए मैं गिफ्ट ले आई हूँ। करण पुत्र ये ले, इसमें मेरा प्यार और आशीर्वाद दोनों है। ये गिफ्ट तू प्रीता को दे दे। सोच क्या रहा करण, ले अंगूठी और प्रीता को दे दे। चेहरा देखने बोला था, ये तो घूंघट के अंदर ही घुस गया। अरे इसी को तो कहते हैं अंदर का प्यार, करने दो। मौके पे चौका मारना तो आदत है इसकी, मारने दो। ये क्या कर रहे हो, घूंघट के अंदर क्यों आ गए? वो भी इतने सारे लोगों के सामने, बाहर जाओ। मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम्हें सुबह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैंने सोचा ऐसे ही बात कर लूं। तुम्हें यही टाइम मिला है मुझसे बात करने का, इस तरह सब लोगों के सामने घूंघट के अंदर क्या बात करनी, जल्दी बोलो। और तुम्हें भी नहीं मिला था ये सब करने के लिए? एक बात बताओ, खाने में क्या मिलाती हो?
और ये पानी में कौन सी घुट्टी बना के सबको पिलाती हो? सब तुम्हारी तरफदारी करते हैं, सब तुम्हारी साइड लेते हैं, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी केयर करने लगा हूँ। ओ हेलो, अब ज़्यादा इमोशनल मत होना ये सुन के कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। फैक्ट इज आई डोंट लाइक यू, ओके? तुम्हें चैन देते देते मैं बेचैन हो गया। तुमने कहा एसी बंद करो, तो मैंने तुम्हारे लिए एसी बंद कर दिया, लेकिन फिर मुझे गर्मी लगी और मुझे बाहर जाके बालकनी में सोना पड़ा। सी ये सब अब नहीं होगा, ओके? जितना होना तो हो गया तुम्हारी पसंद का, अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ओके? तुमने अपने आप को सुना भी? क्या बोली जा रहे हो? जो कुछ भी तुमने कहा ना, उसमें तुम्हारी गलती थी, मेरी गलती तो थी ही नहीं। तुम अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो, क्यों? और अगर मेरे साथ अच्छा हो भी रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती थोड़ी है। एक्सक्यूज मी, जो कुछ भी हो ना, तुमने मुझसे कहा है, मैंने नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं हुई। ये अंगूठी भी मोहन ने दी है, मैंने नहीं। सुना ना तुमने भी? निमी, ऐसी क्या बातें हो रही है? अरे आजकल की प्यार की बातें ऐसी ही होती है। पहले के जमाने में कैसा था, परिवार के सामने तक नहीं बोल सकते थे, और अब देखो सब कुछ खुल्लम खुल्ला सबके सामने। अरे मिलने दो ना, क्या आपत्ति है? अरे नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। पति है वो उसका, अब घूंघट में मिले या पनघट में। मॉम, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। प्रीता को क्या जरूरत थी करण को घूंघट के अंदर खींचने की? प्रीता ने नहीं खींचा उसे, वो खुद गया। आई नो एम्बैरेसिंग है, लेकिन लोगों को कुछ बुरा नहीं लग रहा, इसलिए चुप रहे। क्यों? सारी गलती करण की है। घर के सारे बड़े खड़े हैं और उनके सामने अंदर चला गया। कोई ऐसा करता है क्या? सारे जन उसके बारे में बातें कर रहे हैं, कोई तरीका? भैया जब ये दोनों नहीं शर्मा रहे तो आप क्यों शर्मा रहे हो? अरे खुश रहने दो ना।